हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 9th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री सब्जेक्ट देखने जा रहे हैं। प्रॉब्लम सेट 2 हमें स्टडी करना है, ठीक है? तो चलो फोकस करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे 5 सब क्वेश्चन दिए क्वेश्चन 1 में, और हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है प्रॉपर ऑप्शन कौन सा है। सो फर्स्ट वन, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन्स then the sum of interior angles on the same side of the transversal is। तो interior angles की बात की है, तो हमें पता है interior angles की sum होती है 180, पता है ना? Yes, तो यहां पे भी 180 ही होगी, तो C is the right answer, 180। The number of angles formed by a transversal of 2 lines is, अगर दो lines है, okay, दो lines है और उनमें एक transversal जा रही है, तो एक पॉइंट पे 4 एंगल बनते हैं, दूसरे पॉइंट पे 4 एंगल, सो टोटल एंगल्स कितने बने? 8। सो एक ट्रांसवर्सल की वजह से दो पैरेलल लाइन पे 8 एंगल्स बनेंगे, तो 8 राइट आंसर सी। ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस इफ द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज 40 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के मेजर सेम होते हैं, आपको पता है, तो एक का 40 है तो दूसरे का भी 40 ही होगा। So right answer will be A 40। ट्रायंगल एबीसी, एंगल A 76 डिग्री है, बी 48 डिग्री है, तो सी कितना होना चाहिए? तो तीनों एंगल की एडिशन 180 होती है, पता है ना? तो 180 में से ये दोनों लेस करो तो आपको सी एंगल मिलना चाहिए, तो कितना आएगा? 56। अब ट्राई करके देखो, सब्सट्रैक्ट करके, तो ये आएगा। नंबर 5, 2 पैरल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, ओके, इफ मेजर ऑफ वन ऑफ द अल्टरनेट इंटरियर एंगल इज 75 डिग्री, देन द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज, अल्टरनेट एंगल बोले हैं और अल्टरनेट एंगल का भी मेजर इक्वली होता है ना, तो एक 75 है तो दूसरा भी 75 ही बनेगा, इसलिए आंसर आएगा सी। तो ये हो गए मल्टीपल चॉइस वाले सब क्वेश्चन क्वेश्चन 1 में। अभी क्वेश्चन 2 हम देखने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन 2 क्या है पहले हम रीड करेंगे, ठीक है? तो फोकस कर दे चलो। सो सी स्टूडेंट, रे पी क्यू एंड रे पी आर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है आपको समझाने के लिए। पी क्यू एंड पी आर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ठीक है? ओके, पॉइंट बी एंड ए आर इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ क्यू पी आर एंगल, ओके, तो बी इंटीरियर में आएगा और ए एक्सटीरियर पार्ट में आएगा, बट वो इस तरह से आ रहा है कि रे पी बी एंड रे पी ए भी परपेंडिकुलर बनेंगे, मतलब बी अगर अंदर लिया तो रे पी बी बनेगा ज्वाइन करने पे, ए लिया तो रे पी ए बनेगा ज्वाइन करने पे, तो परपेंडिकुलर बनेंगे, ठीक है? तो ड्रॉ करके देखते ना हम। ओके, सो स्टूडेंट्स यहां पे बी इंटीरियर पार्ट में और ए एक्सटीरियर पार्ट में लेने के बाद पी बी रे और पी ए रे ड्रॉ के इस तरह से कि वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बने, ठीक है? तो उनकी ये कंडीशन कंप्लीट हो गई। ड्रॉ अ फिगर शोइंग ऑल दिस रेस, तो ओके फिगर तो ड्रॉ हो चुका है, और हमें बताने हैं अब यहाँ पे ऑब्जर्व करके पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ठीक है? तो चलो बताएंगे पेयर ऑफ, पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताते हैं, ठीक है? तो चलो देखते हैं। तो पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता है आपको, जिनकी एडिशन कितनी होगी? 90 होगी, तो ये 90 डिग्री का एंगल्स है और ये भी है, तो इनकी पेयर हम बता सकते हैं। तो एंगल क्यू पी बी एंड एंगल बी पी आर, जिनके एडिशन 90 डिग्री होगी, एक पेयर बनेगी। दूसरी पेयर ये बता सकते हैं बी पी आर, एंगल बी पी आर एंड एंगल पी आर पी ए, ओके, वेरी गुड। नाउ अब पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स पता है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स की पेयर कौन सी आएगी, ठीक है? चलो देखते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी एडिशन होनी चाहिए 180, तो 180 एडिशन हो सकती है, ऐसे दो एंगल्स यहां पे है क्या? तो पहले तो क्यू पी आर ये वाला एंगल हम बोल सकते हैं, तो एंगल क्यू पी आर एंड दूसरा 90 डिग्री का एंगल बी पी ए बोल सकते हैं, जो 90 प्लस 90 180 एडिशन दे सकते हैं, तो वो सप्लीमेंट्री बन जाएंगे, ठीक है? ओके, अभी हम नेक्स्ट लास्ट वाला देखेंगे, फिर
पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट एंगल्स। तो कॉन्ग्रेंट एंगल कौन से बनेंगे, तो कॉन्ग्रेंट एंगल्स वही बनेंगे जो 90 डिग्री है, ठीक है। सो एंगल बताएंगे क्यू पी आर, जो पहला एंगल मिला 90 डिग्री, और बी पी ए जो दूसरा एंगल मिला, एंड एंगल बी पी ए, तो ये हो गए कॉन्ग्रेंट एंगल, ठीक है। इस तरह से ये सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो फिगर ड्रॉ करना था और फिगर बेसिस पे ऑब्जर्व करके हमें एंगल्स के पेयर बताने थे, ठीक है। अभी हम रीड करेंगे थर्ड क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू पैरेलल लाइंस। सो देखो क्या दिया है यहाँ पे, दो पैरेलल लाइंस है और एक परपेंडिकुलर भी है, मतलब ट्रांसवर्सल ही परपेंडिकुलर होगी। तो टू पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर वाली ट्रांसवर्सल, ऐसे ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। देन इट इज परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन ऑल्सो, ये प्रूव करना है, ओके। सो एक लाइन को परपेंडिकुलर है तो सेकेंड लाइन को भी परपेंडिकुलर है, ऐसे बताना है। तो इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, तो हमें गिवन और टू प्रूव लिखना पड़ेगा। गिवन में आएगा दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन के लिए एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, और दूसरे लाइन के लिए परपेंडिकुलर दिखाना है, ये प्रूव में जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे क्वेश्चन में, चलो देखते हैं। सो सी स्टूडेंट्स, गिवन मैंने लिखा यहाँ पे दो लाइन पैरेलल है, कौन सी लाइन एल एंड लाइन एम पैरेलल है, ठीक है, और एक ही लाइन परपेंडिकुलर है, ओके। तो लाइन एल और लाइन एम पैरेलल है और एक ही लाइन परपेंडिकुलर दी है, जो लाइन टी है एल के लिए परपेंडिकुलर, मैंने साइन भी निकाला यहाँ पे। तो बताना है कि ये लाइन दूसरे पैरेलल लाइन को ही परपेंडिकुलर बन सकती है, तो ये हमें प्रूव में बताना है। यहाँ लाइन टी जो एल को पैरेलल है, तो ये लाइन टी लाइन एम को भी परपेंडिकुलर है, ऐसे बताना है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो चलो प्रूव करेंगे, जो पहले गिवन दिया है उसे यूज करेंगे। क्या लाइन एल पैरेलल लाइन एम, ओके, ये गिवन में है, ओके, और टी परपेंडिकुलर एल बताया है। सो लाइन टी परपेंडिकुलर लाइन एल, मैंने कुछ नेम्स भी दिए यहाँ पे एंगल आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बन जाएगा, इसके रीजन दिया कि एंगल कौन सा है, कि जी बी सी, सो देयरफॉर एंगल जी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। अभी ये दोनों पैरेलल है और टी लाइन यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों लाइन दोनों एंगल्स जो है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ओके। बट हम बताएंगे एंगल जी बी सी इज इक्वल टू एंगल ई बी ई एफ, बी ई एफ, रीजन क्या देंगे आप, करस्पॉन्डिंग एंगल है, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर एंगल बी ई एफ भी 90 डिग्री बन जाएगा, ओके। तो लाइन पैरेलल है या ट्रांसवर्सल एक ही है, तो यहां पे भी 90 डिग्री बन गया। तो अगर ये 90 डिग्री है तो यानी ही वो क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया ना, देयरफॉर लाइन टी परपेंडिकुलर लाइन एम हो गया ना ब्रो, ओके। तो ये लाइन लिखा है, ओके, और ये सो टी ए लाइन एल लाइन को परपेंडिकुलर थी और हमें बताना था टी ए लाइन एम को भी परपेंडिकुलर बनती है, तो इस तरह से बताया। ये हो गया आंसर, बहुत ही छोटा था, आसान था, गिवन प्रूफ फॉर्म में लिखा है, फिर डायग्राम आया है और फिर प्रूफ किया है। एक सिंपल स्ट्रक्चर है यहाँ पे फॉलो करने का, गिवन पहले टू प्रूफ डायग्राम और फिर प्रूफ, ओके। आपको समझ में आया नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते। अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इन फिगर 2.24, मतलब ये फिगर में मेजर ऑफ सम एंगल्स आर शोन, कुछ एंगल्स के मेजर दिए, जैसे ये 130 है, जैसे ये 50 है, ऐसे मेजर्स दिए और बोला है एंगल एक्स और वाई के मेजर क्या होंगे। तो एंगल एक्स यहां दिया है, एंगल वाई यहां दिया है, तो उनके मेजर्स बताने हैं, और वो बताने के बाद आपको बताना है कि लाइन एल और एम पैरेलल हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है, वो बता देंगे बाद में। 130 और एक्स इनमें क्या रिलेशन बनता है, तो ये अपोजिट एंगल है, तो एक्स भी 130 बन जाएगा। वाई और 50 में क्या रिलेशन है,
तो 50 है तो y भी 50 ही बनेगा, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यहाँ पे भी अपोजिट एंगल, यहाँ पे भी अपोजिट एंगल, तो दोनों के मेजर तो मिल जाएंगे, यस। और साथ ही साथ हमें क्या करना है, लाइन L और लाइन M पैरेलल बता रहे हैं, तो कौन से भी एक एंगल की पेयर आप ले सकते हो और बता सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे 130 बताया, तो ये 50 इंटीरियर एंगल्स है दोनों, और उनके एडिशन 180, तो इंटीरियर एंगल थ्योरम की वजह से दोनों लाइन कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, मैं नोटबुक में सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलो कॉन्सेंट करो क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो यहाँ पे 130 एंगल और एक्स इनमें रिलेशन है कि ऑपोजिट है, ओके, सो एंगल एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री, क्योंकि वो अपोजिट एंगल्स हैं, ओके। जैसे कि एंगल वाई और 50 अपोजिट है, सो वो भी इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट एंगल, रीजन तो मिल गया हमें, ओके फाइन। नाउ हमें भी बताना है कि दोनों लाइन पैरेलल बन सकती है नहीं, तो x और 50 देखते हैं 180 एडिशन होती है या नहीं, इंटर एंगल का एडिशन 180 होती है, बराबर। सो x प्लस 50 यानी x है अपने पास 130 और ये 50, तो बन जाएंगे 180, ओके। इट मींस एंगल x एंड 50 डिग्री मेजर आर मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर लाइन पैरेलल बन गई ना, लाइन L पैरेलल लाइन M, रीजन देंगे इंटीरियर एंगल्स थ्योरम या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, ये यहां पे सॉल्व हो गया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, अभी हमें नेक्स्ट सॉल्व करना है, ठीक है, चलो देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, लाइन AB पैरेलल लाइन CD पैरेलल लाइन EF, AB CD EF तीन लाइन्स यहां पे पैरेलल है, लाइन QP ये उनका ट्रांसवर्सल है, ओके। Y:Z इज इक्वल टू 3:7, Y और Z का रेशियो बनाया गया है, ठीक है। द मेजर ऑफ एंगल X क्या होगा ये आपको ढूंढना है, ठीक है। सो x का मेजर क्या हो सकता है, तो रेशियो भी है और बाकी इन सब का रिलेशन हमें देखना पड़ेगा, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो चलो सॉल्व करके देखेंगे हम यहाँ पे। तो चलो स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो हमें पता है AB पैरेलल CD पैरेलल EF यहाँ पे दिया है, गिवन एंड देयर ट्रांसवर्सल भी दिए इज इक्वल टू QP, ओके, ये भी गिवन ही है, रेशियो दिया है Y:Z इज इक्वल टू 3:7, ये भी गिवन है, ओके। तो चलो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे भी, एक ट्राई करेंगे यहाँ पे एक लेटर अज्यूम करने की, एंगल M, ओके। तो एंगल M प्लस एंगल Z 180, क्यों, लीनियर पेयर है ना वो, ओके। सो यहां पे हम बोलेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर, ओके। नाउ अभी हम क्या करेंगे, हम बताएंगे Y और M तो इक्वल है, बराबर, क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बराबर। एंगल Y इज इक्वल टू एंगल M, क्या बोलेंगे हम कि वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। अभी इन दोनों को कंपेयर करो, देख एंगल Y इज इक्वल टू एंगल M हम बोल दिए, तो M के जगह पे यहां पे एंगल Y अगर हम रख देंगे तो वैल्यू फिलअप हो जाएगा, एंगल Y ही एंगल M है, एंगल M ही एंगल Y, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो एंगल M की जगह पे एंगल Y हम लिख देंगे Z वैसे के वैसे, ओके।
स्टेटमेंट, इसे शायद वन बोलो, दो बोलो, इसे थ्री बोलो, या फिर रीजन दो फ्रॉम वन एंड टू से हमने बताया, ठीक है। अभी हमें पता है हमारे पास रेशो है, ओके, रेशो ऑफ वाई टू जेड इज इक्वल टू 3:7, सो लेट एंगल वाई बी 3x एंड एंगल जेड बी 7x, ओके, एक्स ऑलरेडी दिया है यहाँ पे लेटर, तो हम एक्स नहीं बोल सकते, समझो ए बोल दिया, लेट एंगल वाई बी 3a और वाई इज जेड इज इक्वल टू 7b बोल दिया, ओके, सो 3a एंड एंगल जेड बी इज इक्वल टू 7b। हम रॉन्ग करे तो मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा का पूरा रिमूव कर देता हूँ और वापिस सेशन करते हैं, लेट एंगल वाई बी 3a एंड एंगल जेड बी 7a, अभी दोनों a ही क्यों, कॉमन मल्टीपल लिया क्योंकि रेशियो है, कॉमन मल्टीपल a अजूम किया तो y का मेजर 3a और z का मेजर 7a, बट ये मेजर्स y और z गए यहां पे फील अगर करेंगे तो फ्रॉम 3 हम बोलेंगे 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180, तो इस प्रकार हमें मिलेंगे 10a इज इक्वल टू 180 और a इज इक्वल टू 180 अपॉन 10, सो a इज इक्वल टू 18 मिलेगा। सो इस बेसिस पे हमें एंगल y मिलेगा जो 3a है, तो 3 × 18 और ये 54 डिग्री हो जाएगा, फिर एंगल y इज इक्वल टू 54 डिग्री मिल जाएगा, ओके, बट हमें y नहीं, हमें z चाहिए, आप डायग्राम में फोकस करो आपको पता चलेगा दोनों इंटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल का सम होता है 180, सो यहाँ पे हम वैसे ही करेंगे सॉल्व। चलो देखते हैं क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री और रीजन आएगा इंटीरियर एंगल, ओके, एंगल x वैसे ही रखो, एंगल y का मेजर 54 डिग्री, ओके, सो 180 डिग्री माइनस 54, अगर माइनस यहां पे प्लस है तो इधर माइनस ही होगा, और फिर ये लेस होने के बाद 126 डिग्री आ जाएगा जो कि x का मेजर है और हमें ढूंढना था, ठीक है। तो देखो आपको समझ में आया नहीं, और ये वाला पार्ट इग्नोर करो, ये थोड़ा सा आपको बताने में मिस्टेक हो गया, फिर हमने वापस यहां से अच्छे से सॉल्व किया, ठीक है। तो ये सब समझ में आया नहीं, देखो x का मेजर ढूंढना था, एंगल x का, तो 126 आएगा, कैसे आएगा आपको समझ आएगी नहीं, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका अगला सम है लाइन Q पैरेलल लाइन R, ओके, ये दोनों पैरेलल है, लाइन P ट्रांसवर्सल भी है, इफ A 80 डिग्री है तो आपको F और G के मेजर्स बताए, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं बता देते हैं। चलो स्टूडेंट सम नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं, देखते हैं, Q एंड R दो लाइन पैरेलल है, दिया है एंड लाइन P इज ट्रांसवर्सल, ओके, ये पूरा गिवन है हमें। नाउ करना क्या है, अगर ऐसा है तो A ऑलरेडी 80 बोला है और A और E करस्पॉन्ड एंगल हो गए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल E, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अच्छा, बट एंगल A 80 डिग्री है इसलिए एंगल E भी कितना होगा, 80 डिग्री हो जाएगा, ओके, बट एंगल E जितना है उतना ही G बनेगा क्योंकि वो अपोजिट है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल G, अपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल G इज इक्वल टू 80 डिग्री बन जाएगा, तो G तो मिल गया, अभी F चाहिए, F और E में रिलेशन क्या है, क्यों लीनियर पेयर में, ठीक है, सो एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएंगे, एंगल E का मेजर है 80 डिग्री, एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री और
ओनली अभी सब्सट्रैक्ट ही करना है, 80 इधर आएगा, सो एंगल एफ इज इक्वल टू 100 डिग्री, और ये मिल गया जी और एफ का मेजर। ठीक है, हमें यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा एंगल सी इन लीनियर वेयर। ओके, देखो आपको समझ में आया है नहीं सब, ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे हम अभी, 2.27। इफ लाइन ए बी पैरल लाइन सेफ एंड बी सी पैरल लाइन एडी, देखो कहां पे है, ए बी पैरल है सी एफ को यानी ए लाइन को, और बी सी पैरल है ईडी को, तो हमें बताना है एंगल ए बी सी, ये एंगल एफ डी ई, एंगल एफ डी कहां पे है, एफ डी ई इसे इसके साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो दोनों लाइन पैरल है ये तो गिवन है, और ये प्रूव में जाएगा, तो गिवन प्रूव हम लिख के लेंगे, डायग्राम भी निकालेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गिवन गिवन आएगा क्या, लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी एफ एंड लाइन बी सी पैरेलल लाइन ई टी। ओके, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एफ डी ई, ये प्रूव करना है हमें, इक्वल दिखाना है। तो कैसे दिखा सकते हैं, तो हमें तो पता है पहले दो लाइन पैरेलल लेते हैं ये वाला प्रूफ में। ओके, एंगल सॉरी लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी एफ ये गिवन है, बराबर, अगर ऐसा है ए बी सी एफ पैरेलल है तो इनमें एंगल बनेगा ये अल्टरनेट एंगल ए बी सी और बी सी एफ, जेड शेप में जो एंगल है ए बी सी बी सी एफ। ओके, सो एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी सी एफ, और स्टेटमेंट वन बोलेंगे और बताएंगे अल्टरनेट एंगल, क्या बताएंगे, अल्टरनेट एंगल। ओके, अभी लाइंस पैरेलल ए देखेंगे बी सी एंड ई डी। ओके, नाउ लाइन बी सी पैरेलल लाइन ई डी, ए भी गिवन ही है। ओके, और ट्रांसवर्सल अभी ये देखेंगे, तो यहां पे मुझे करस्पॉन्डिंग एंगल देखने हैं, बी सी एफ जो एंगल लिया और ई डी एफ जो एंगल लिया, एंगल बी सी एफ इज इक्वल एंगल ई डी एफ, तो ये स्टेटमेंट टू बनेगा। यहां पे रीजन देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट वन और टू में बीसीएफ बीसीएफ कॉमन है, मतलब ये कॉमन है तो ये इक्वली हो जाएंगे, तो फ्रॉम वन एंड टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ और एफ डी एफ बोल सकते हो, सो फ्रॉम वन एंड टू, तो जो प्रूफ में दिखाया था उसी हिसाब से लिखेंगे हम एंगल एफ डी ई, और ये यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया नहीं आप मुझे बता सकते हो, यहाँ पे ये वीडियो में इतने ही सम्स, इस प्रकार प्रॉब्लम सेट हमने कंप्लीट कर लिया है, और एक सम आखिरी बचा हुआ है जो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रहेगा, अभी हम ये वीडियो में इतना ही सम करेंगे। आपको समझ में आया नहीं आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो, ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियोस करेंगे, अगले सम में अगले कंसेप्ट वीडियो में रखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।